2 महीने 7 दिन से हम यहाँ बैठे, तो हमारे हक पूरा ले के जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। कई लड़ाइयां जो देश के अलग अलग कोनों में लड़ी जाती हैं वो अक्सर आप तक नहीं पहुंचती। एक ऐसी ही लड़ाई राजस्थान के चुरू जिले में ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, जहां किसान बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर ठगा गया। आज वो 2021 में अपनी फसल में जो उनकी जो खराबी हुई उसको लेके जो है इकट्ठा हुए हैं और कलेक्ट्रेट पे पूरा दबाव बनाया है कि वो उनका 500 करोड़ रुपए का बकाया वापस करे, नहीं तो वो यहीं डटे रहने वाले हैं। देखिए, चुरू जिले की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो फसलें भी वीरानी क्षेत्र है, फसलों में भी बहुत बड़ा खराबा होता है। ऐसा है कि ऐसी संवेदनहीन सरकार, चाहे वो गहलोत हो, नरेंद्र मोदी हो, पिछले 70 दिन से यहाँ कलेक्ट्री पे पड़ाव डाल के बैठे हैं और पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। बीमा क्लेम जिसका आधार केवल क्रॉप कटिंग है और कंपनियों की दलाली करने के लिए दोनों केंद्र और राज्य सरकार सैटेलाइट के नाम से 500 करोड़ रुपए कंपनी से मिलकर के किसान का लूटना चाहते हैं, इसके खिलाफ यह आंदोलन है। हमारे इश्यू बहुत सारे पहले चल रहे थे, उसमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो खेतों की होती है उसके आधार पे क्लेम किसान को मिलता था। तो एक मेजर इशू तो जो पहले से चल रहा था वो ये था कि बैंकों के द्वारा कुछ लापरवाहियाँ हुई, कुछ पोर्टल के द्वारा लापरवाहियाँ हुई। किसान का प्रीमियम, जो ऋणी किसान है जिनका केसीसी कोऑपरेटिव से लोन लिया हुआ है, उनका प्रीमियम नहीं काटा। प्रीमियम काटा तो पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, पोर्टल पे अपलोड किया तो कुछ के पटवार हल्के बदले गए, तो इस वजह से उन किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन किसानों के 72,000 किसान हैं चुरू ज़िले के, जिनकी लिस्ट बना करके जिला कलेक्टर ने ये कह के कि इन किसानों का कोई कसूर नहीं है, जिन एजेंसियों ने गलती की है, बीमा कंपनी ने या बैंक ने, तो उनको ये क्लेम की भरपाई करनी चाहिए। तो राज्य सरकार ने उसका प्रस्ताव है वो भारत सरकार के पास भेज दिया। तो एक तो वो पेंडिंग है, 72,000 लोग हैं जो बैंकों की लापरवाही से क्लेम से वंचित रह गए। सर, इसकी मेन वजह है सरकार ने सैटेलाइट के आधार पर इनको क्लेम जारी किया था। सैटेलाइट के आधार पर क्लेम इनका कम, सैटेलाइट ये कहती है इसमें क्लेम मतलब हेक्टेयर का कम किया, और क्रॉप कटिंग के आधार पर किसानों को क्लेम आता है, बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। तो पहले सरकार ने जो स्कीम लागू की थी बीमा कंपनियों ने, तो उन्होंने क्रॉप कटिंग के आधार पर की थी, तो अब उन्होंने सैटेलाइट के आधार पर कर दी, तो किसानों में ये रोष पैदा हो गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2015 माने के बाद केवल और केवल नोटिफिकेशन है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्रॉप कटिंग मतलब हर पटवार मंडल या तहसील जो भी कोई इकाई जिस फसल के लिए है उसके 4 सैंपल 5x5 मीटर में जितनी फसल हुई है उसके अनुसार जितनी गारंटी उपज है उससे जितनी कम होगी उतना उसको बीमा क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन नहीं देने का बहाना करके सैटेलाइट से हरियाली का तो पता लग सकता है। शीतलहर से पिछले सर्दी में सरसों चना जो सब तबाह हो गए, तो फली तो दिखेगी, हरियाली भी दिखेगी, लेकिन फली के अंदर दाना है वो साफ हो गया, चना का, गेहूं का, सरसों का वो सैटेलाइट से नहीं दिखता। सैटेलाइट का मतलब है इनकार करना, कंपनी को 500 करोड़ का सीधा फायदा पहुंचाना और 100-150 करोड़ रुपए सरकारों के द्वारा लेने का। हमारे किसान भाई 2 जून से बैठे हैं, उनका साथ भी देना है हमको, और महिला शोषण हो रहा है, प्रशासन महिला शोषण को तो नहीं है देखती है, और यही कहीं छावली किसान जाते हैं वहाँ है प्रशासन आकर आपका डेरा डाल देता है। हमारा 20,000 रुपया बिघे का नुकसान होया और हमारे को दिया कितना, 20,000 के लिए 400 रुपये, तो इससे क्या हमारा क्या फायदा होया। 2 बीघा जमीन है मेरा, मकान मेरा हाथ को फूटे पड़े मकान है मेरे, कोई सहूलियत को नहीं, इतना आदमी देते हैं देखो मेरा कोई सहूलियत को नहीं, बताओ मेरे के फायदे हो, वोट ले ले से वाह खाने से तुम्हें के फायदे हो।
हमारे जमीन 1500 बीघा है। हाँ, नुकसान कितना हुआ? पूरा ही नुकसान हो गया, हमारे को क्लेम नहीं दिया, बिल्कुल भी क्लेम नहीं आया। 2021 का नुकसान हो गया पूरा का पूरा ही। जो सरकार है वो हमारा बहुत ज्यादा शोषण कर रही है। हम सभी जो किसानों से हैं, किसान परिवार से हैं, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो तो यही है कि जो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा लेंगे। पीछे 20 जुलाई को हमारा समझौता हुआ था कि जो बीमा देंगे वो क्रॉप कटिंग से देंगे, लेकिन अब जो सैटेलाइट क्रॉप कटिंग दोनों के बीच में उलझा हुआ है। आज 9 अगस्त का दिन ये भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, जिसके लिए 1942 में महात्मा गांधी जी ने कॉल दिया था। आज पूरे SKM ने और केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने मिलकर आज 9 अगस्त को कॉल दिया, कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो। ये जो कॉरपोरेट अंबानी, अदानी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इन सब को लेके आज पूरे मोदी सरकार उनकी दलाली जो कर रही है, तो इनको अगर हटाने का, और इनको हटाओ इसका मतलब मोदी सरकार को भी हटाओ, क्योंकि इनकी नीतियाँ पूरी तरीके से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जनता विरोधी और कॉरपोरेट्स के पक्ष में है। खरीफ 2021 में हमारी फसल पूरी पकी हुई थी, पकी हुई फसल के ऊपर लगातार 6 दिन तक जबरदस्त बरसात हुई, जिस वजह से फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। उसकी क्रॉप कटिंग हुई, उस क्रॉप कटिंग में जो खराबा आया वो बीमा कंपनी ने राज्य सरकार में एक आपत्ति पेश की कि यहाँ पर किसानों के साथ मिली भगत करके खराबा बहुत ज़्यादा दिखा दिया है, तो क्लेम की राशि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम इतना देने में सक्षम नहीं है, कोई दूसरा रास्ता अपना करके क्लेम को डिसाइड किया जाए। तो बीमा कंपनी के ऐतराज़ के ऊपर राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2022 को उक्त क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड का एक डाटा भारत सरकार से लेकर के उसके हिसाब से क्लेम का आंकलन कर दिया। जो क्लेम हमें 1 रुपया मिलना चाहिए था वो 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे मिल करके वो पूरी तरह, मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ा किसानों के साथ एक कुठाराघात हुआ। ये सैटेलाइट से क्या ये पता चलता है कि कितना खराबा हुआ है? एकदम सही तरीके से पता नहीं चल सकता, 100% में लगभग 50% पता चलता है उनको, और जो क्रॉप कटिंग है उनमें पटवारी एकदम अपनी आंखों के सामने देखता है। ये 2 महीनों से ही नहीं है, ये कम से कम 1.5 साल से लगातार चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की बीमा कंपनी के साथ में मिली भगती है। क्रॉप कटिंग होती है, पटवारी गिरदावर जाके खेत में जाके एकदम अपने सामने देखता है कैसा है इस खेत में फसल कैसी है, और सैटेलाइट के द्वारा ऊपर से ड्रोन वगैरह से वैसी होती है। बीमो मारो है वो लेके रहा हमें, परियम भरे आपने, परियम भरे हमें न्यूज को नहीं। मैं अशोक गहलोत सरकार से और मोदी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये इन्हें नाटकगिरी मत करो और इन्हें महिलाओं का शोषण बंद करो और ये क्या आप किसानों की मांग पूरी करो। मैं तो गुरे नुकसान है, सोई नुकसान हो गया क्या, अब तो 18 बीघा जमीन भाई लोगों की भाई आगे या 2.5 बीघा मेरी सो नुकसान है। हमारे को ट्रैक्टर वाले को देना पड़ा, बीज वाले को देना पड़ा, काश्तकार को भी देना पड़ा, सबको पैसा देना पड़ा, हम कहाँ से लाएं, नुकसाना हो गया, इसीलिए हमारे हक के लिए यहाँ आए। तो काफ़ी समय से 68 दिन हो गए जो किसान है वो धरने पे बैठे हैं, हम भी किसान परिवार से हैं, आंगनबाड़ी सीटू यूनियन का समर्थन दे रहे हैं और हमारी भी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को भी लेकर के हम निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गहलोत जी ने अपने जो घोषणा पत्र था चुनावी उसमें वादा किया था कि आंगनबाड़ी कर्मी हैं उनको हम नियमित करेंगे, तो नहीं तो हमें नियमित करा और न ही कि जो किसान की आय है वो दुगुनी होगी और न जो बीमा है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया। वो क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे ही मिले, पहले इन्होंने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को देने से इनकार कर दिया। 137 दिन 7 मार्च से लेके 18 जुलाई 2022 तक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मांग को लेकर के हम लगातार धरने पे रहे, धरना प्रदर्शन घेराव पड़ाव सब कुछ प्रजातांत्रिक तरीके से हमने किया। उसके बाद में 16 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक 58 घंटे तक चक्का जाम किया, तब जा कर के सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी थी। आज हमारी ये मांग है कि उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे हमें फसल बीमा क्लेम मिले। हमारे तो लगभग 70% खराब हुए, कई जगह बहुत ज्यादा खराब हुआ था। केंद्र और राज्य सरकारों के सरेआम गलती है, घेरा डालो, डेरा डालो, पड़ाव डालो, किसानों ने क्यों कर रखा है? वो इसलिए कर रखा है केंद्र और राज्य सरकारों के गाइडलाइन के अनुसार, ग्राउंड रिपोर्ट यानी क्रॉप कटिंग के अनुसार
किसानों को क्लेम दिया था, लेकिन बीमा कंपनी ने देखा कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अनुसार एक किसान का प्रति हेक्टर 20 या 25 हजार रुपया बनता है और सैटेलाइट से केवल 200 रुपया बनते हैं। इसलिए अपने निजी स्वार्थ हेतु बीमा कंपनी केंद्र और राज्य सरकारों से मिली हुई है। ट्यूबवेल वाला मीठो पानी कोई नहीं, मीठो पानी कौन था वो? नहीं, राम के पानी से। हाँ, राम वाला पानी से करा हमें। ये रूस जा तो रूस जा, राजी रहा राजी रहे। हमारे घर में चौदह बीघा खेती होती है। हाँ, इसमें कितनी खराबी हो गई थी? इसमें 14 की 14 हो गई थी। हाँ, कम से कम 15 लाख रुपए बनता हमारा कलेम। अच्छा, बुआई का ला गया, बीज बढ़ाई का ला गया, निनाण कर लिया, फसलों की चौपट, तो 15 लाख रुपए कम से कम हमारा नुकसान हो चुका है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, 22 आया और चला गया, क्या आपकी आय दुगनी हुई? नहीं हुई, कर्जा दुगुना हुआ है, कर्जा दुगुना हुआ है। जैसे एक आदमी के 1 लाख रुपए था तो उसके 3 लाख रुपए कर्जा हुआ है, क्योंकि हर बार हर एक जगह महंगाई और बेरोजगारी है। वो क्लेम अमाउंट हमारी बन रही थी लगभग 750 और 800 करोड़ रुपए, और जो दिया 253 करोड़ रुपए। ये आंदोलन पिछले लगभग 68 या 70 दिनों से पिछले, इनकी मांग है क्रॉप कटिंग आधार पर करना, और ये सरकार मान नहीं रही है, तो इन किसानों को बार बार ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बीमा कंपनी और केंद्र सरकार राज्य सरकार की वजह से मिली भगती है। इन्होंने अब रिलायंस को दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी पहले दूसरी थी, अब इन्होंने इनको दे दिया है, तो इनकी मिली भगती है, कुछ नहीं कह। तो फिर आप लोग क्या घर है? घर मजदूरी और नरेगा में जाते हैं, वहाँ भी हमारा शोषण करती है सरकार। नरेगा में हमारे को कोई पैसा नहीं देती है। आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ भी शोषण करती है, वहाँ भी हमें पूरा पैसा नहीं देती है। ये करो वो करो सब काम कराती है, एक कलेक्टर भी नहीं करता इतना काम। इतना काम हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है और हमारी सहायिका करती है, इतना काम कराती है सरकार हमारे से, और कुछ नहीं देती है, हमारा शोषण करती है। हम तो डूबे हुए हैं कर्जे में, हमारे 20 लाख रुपया कर्जा है। ये जो कर्जा है आपका, इससे कभी आपको उम्मीद है कि ये बाहर निकल पाएंगे आप लोग? नहीं निकल पाएंगे, ऐसी जो सरकारें आती रहेंगी तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो फसल का भाव है वो भी नहीं मिल रहा। और गहलोत जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बोला भी था कि मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा, जैसे कि KCC कोऑपरेटिव बैंक के लिया हुआ है वो, तो आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है और नहीं आगे उम्मीद है। लेकिन जब हमारा जो किसान है वो सड़कों पे आ रहा है तो ये हमें उम्मीद है कि हम लड़के 100% करवाएंगे और हमारी जीत होगी। क्या लगता है कि कभी इस कर्जे से बाहर आ पाएंगे? कब कर्जे से तो हमारा क्लेम मिलेगा, मतलब हमारे को रेट के हिसाब से दाम मिलेंगे तब आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? आप बता दो कैसे आएंगे, बता दो आप हमारे को कैसे आएंगे। हम जो गैरऋणी किसान है उन्होंने ई मित्र CHC सेंटर से बीमा करवाया था, उनकी 12,000 पॉलिसियां बीमा कंपनी ने तरह तरह के कारण, मुख्य जो इंटेंशन था वो तो ये था कि इनकी पॉलिसियां स्वीकार करने के बाद में इनको क्लेम देना पड़ेगा जो प्रीमियम से 4 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों ना इनकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाए ताकि क्लेम देने का झंझट खत्म हो जाए। तो वो जो पॉलिसियां रिजेक्ट किए उनको स्वीकार करने का, ये मुख्यतः 3 इशू हमारे बचे हुए। किसान किसान होता है, वह पता है आपको 3 कृषि कानून थे वो भी उन्होंने वापस लौटा दिया, तो किसान किसान होता है। भरोसा है, आज पता चल जाएगा कैसा है भरोसा। और आज नहीं, किसानों का क्लेम दिला के ही जाएंगे, जो देख लो हक हमारा लेके भी जाएंगे। ज्ञान विज्ञान को मानने वाले हैं, लेकिन सैटेलाइट का ज्ञान विज्ञान इतना अभी डेवलप भी नहीं हुआ है कि फसल खराबे का आकलन कर दे। आप ये देखिए, हमारी बीमित फसल मूंग मोठ गुआर बाजरी है, हमारी पड़ोसी तहसील है सरदार सर में मूंगफली, ये बीमित फसल है। मूंगफली में तय करने वालों को पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि मूंगफली का जो गोटा है, जो फली है, वो जमीन में लगती है या ऊपर पौधे के ऊपर लगती है। जमीन के 4 आंगन 4 इंच नीचे जो गोटा लगता है उसमें सैटेलाइट लगाए, आप कैसे फैसला कर सकते हैं? आप किस तरीके के फैसले कर रहे हैं? आप क्यों इतनी मजबूती के साथ बीमा कंपनियों के पक्ष में खड़े हैं? आप क्यों दोनों सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जो कहते हैं कि हमारे एक दूसरे की अपोजिट गवर्नमेंट है, लेकिन आप क्यों मजबूती के साथ कॉरपोरेट कंपनियों के साथ खड़े हुए हैं? तो ये जो सवाल है
ये सवाल हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्ष को और मजबूती दे रहे हैं। कर्जा सरकार से लिया हुआ है, कर्जा तो दे लेते हैं, कर्जे बिना हमारा काम कैसे चलता है? शोषण तो हमारा होता ही है, कोई सरकार हो शोषण तो हमारी करती ही है। खेती करते हैं, ट्रैक्टर के पैसे लगते हैं पहले, फिर हम निर्माण करते हैं तो उस पर पैसे लगते हैं, बीज लाते हैं तो पैसे लगते हैं, स्प्रे लाते हैं तो पैसे लगते हैं, हर चीज का पैसे पैसे लगता है। खेती नष्ट होती है, बीमा कंपनी नट जाती है, कभी कहती है मैं ड्रोन से दूंगा, कभी कहती है कुछ से दे दो, नए बीमा कंपनी कृषि विभाग के फूकते हैं हमारे पास, नए बीमा कंपनी के फूकते हैं, हमारे पास कोई जाता नहीं है, हम तो पूरा का पूरा क्लेम हमारा तो जीरो है। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि वो किसानों के बहुत प्यारे हैं, किसानों के बहुत हितैषी। ये तो आगे का मौका देखेगा किसानों का प्यारा है कैसे, वो तो हम डाएंगे ना दांतिया थोड़ा से, जब पता चल जाएगा हम दांतिया थोड़ा से सब बहने गांव गांव में होंगी ना, जब पता चल जाएगा मोदी जी को और अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत तो विज्ञापनों में कहते हैं कि किसान हितैषी हैं, वो किसानों के कहते हैं देते गुण है वहाँ तो। ऐसे तो मोदी ने बोला था हम 15 लाख खातों में गिरेंगे, किसके गिरा? आपके गिरा गे, हमारे तो नहीं गिरा। आज हमने जो रैली का नाम दिया ये दिया किसान एकजुटता रैली, हमारे आंदोलन में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिले के MLA, MP, सरपंच, प्रधान, सब पार्टियों के आके गए और समर्थन दे के गए। हमने ये तय किया जब सारे ही समर्थन कर रहे हैं, अभी सरकारें नहीं मान रही है वो एक अलग इशू है, लेकिन लोकल स्तर पे जब सभी समर्थन कर रहे हैं तो इस रैली को नाम किसान एकजुटता दिया जाए। किसान के बीच में पार्टियों का भेद, जातियों का, धर्म का, ये भेद खत्म हो, किसान एकजुटता दिखाए, वो चूरू जिले में नहीं पूरे प्रदेश में दिखाए और पूरे देश में दिखाए। हम फसल बीमा के माध्यम से जागरूक होकर के किसान को आत्महत्या करने से बचा सकते हैं। ये वोट की वोट लेने आते हैं, देने कुछ नहीं है उसके पास, देने के लिए एक पैसा ही नहीं है, वोट कहते हैं। मोदी जी ने पहले चुनाव लड़ा था रोजगार लगा दूंगा, बच्चों को सबको नौकरी दे दूंगा, बचे तो बेरोजगार फिर पढ़ाई पर पैसे लगते हैं हमारे, वे तो लग जाते हैं बेरोजगार फिरते, खेती के पैसे लगते ही हैं, हम तो रोड पर आ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। हम क्लेम हमारा कराने आए और हमारा शोषण बंद करवाने के लिए आए, हमारी गांव-गांव की बहनें और लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए आए। वो कॉलेज नहीं जा सकती, वो खेत में नहीं जा सकती, वो गाड़ी अकेली नहीं जा सकती, वहाँ उनको शोषण होता है, इसलिए हम आई है। आज उम्मीद है लगेगा है कि सुनेगा, नहीं सुनेगा तो हम सुना के रह जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाएंगे, सुनाने पहले नहीं जाएंगे, सुना के ही जाएंगे यहाँ से। कुल मिलाकर के घोटाले करके देश और प्रदेश का खजाना और किसान की जेब को लूटने का तरीका बना रखा है। केवल लड़कर के कोई लेता है, जैसे चूरू के उसके केंद्र और राज्य सरकार और कंपनी के गिरे बांड में डाल करके 700 करोड़ निकाल लिया तो लड़के निकाल लिया, बाकी किसान के साथ मजाक करते हैं। एक किसान को 1 रुपया मुआवजा, आप बताइएगा 1 रुपये का कौन सा नुकसान होता है? खेत जिसके 5 हेक्टर किसान की फसल थी और 1 रुपये का नुकसान होगा, 1 रुपये में कितना नुकसान हुआ है, कितना दाना नहीं हुआ है, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए।